तूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, आज ही इस्तेमाल कीजिए तूफा हर्बल हेयर ऑयल। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि AIMIM पार्टी का हेडक्वार्टर दारुसलाम से है, जहां पर कावन के MLA जनाब कौसर मोहीउद्दीन ने जो है शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। लगभग 81 चेक्स इन्होंने तकसीम किए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर इस काम को अंजाम दिया गया। तो आइए आप चलते हैं दारुसलाम, दिखाते हैं खबर। इधर देखो अम्मा, अम्मा इधर देखो, टोकन नंबर 4, टोकन नंबर 9, 21 इशरत शाहिदा अफशा जबीन, हमीदा बेगम, नासिया बेगम, रहमत बानो, शमीम बेगम, बानो बेगम, आफरीन उनिसा, समीरा बेगम, खुदा बेगम, महक बेगम, टोकन नंबर 24, आपने कहा पद्मावती, पद्मावती चंद्रकला, चंदना, आसुदने मुद्रा के नाम ना कि मैं मिल गया, बैरेस्टर आसुदने जो हिस्सा की हिदायत पर हल्के कारवां को गुलकुंडा मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के नंबर चक्स को दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर गुलमुंडा मारो मैडम और लंगर हाउस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, गुलमुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, मस्जिद के सदर मतमदी और मारो डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट तमाम मिलकर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के दारुसलाम में पार्टी हेड ऑफिस पर दिया गया। और करीब में इंशाल्लाह शेख पेट मंदिर और आसिफ नगर मंडल के कुछ शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के देने वाले इंशाल्लाह इस मीडिया के ज़रिए हम आपसे अपील करता हूँ, आपके जो भी मसाल रहेंगे या मुझको, मेरी जमात के वर्कर्स को, या मेरी जमात के सदर मतमदिन को, या मेरे कॉर्पोरेटर को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।